देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। इन दिनों विद्यालयों में वार्षिकोत्सव के दौर चल रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के सिलिकॉन सिटी में स्थित विद्यांगन अकादमी का वार्षिक उत्सव दिवस गुरुवार शाम को रविन्द्रनाट्य गृह में मनाया गया। अतुल्य भारत की थीम पर हुए इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अरुण भटनागर उपस्थित थे। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरपर्सन सतनाम सिंह चेरा और डॉक्टर मितेश चौधरी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि श्री भटनागर ने अपने संदेश के माध्यम से अभिभावकों को मोबाइल फोन के नुकसान और पारिवारिक बंधन के बारे में बताया। थीम अतुल्य भारत के आधार पर छात्रों ने मंच पर जीवन के विभिन्न रंगों का प्रदर्शन किया। सतनाम सिंह चेरा एवं रंजित कौर चेरा ने बताया कि वर्ष 2014 स्थापित विद्यालय अकादमी लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विज्ञान गण अकादमी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि बीते 8 वर्षों में विद्यालय क्वालिटी एजुकेशन को लेकर काफी लोकप्रिय हो चुका है। कार्यक्रम का संचालन सुश्री रिंकू बोस ने किया एवं आभार सुश्री प्रेरणा पालीवाल ने माना। श्रीमती रंजित कौर चेरा ने आयोजन को सफल बनाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षक पालक एवं सहयोगी को धन्यवाद दिया। किसी भी शिक्षक गुरु का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो बच्चों को उनके अंदर जो अंतर्निहित ऊर्जा है, जो उनकी शक्ति है, उससे उनका परिचय कराए। आज हमको अपने बच्चों को ये सिखाना है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू इट, क्योंकि nobody is born genius। आज मैं पेरेंट्स को एक बात कहना चाहूंगा कि कभी बच्चों को रैट रेस में मत डालिए कि उस बच्चों के मार्क्स कितने आए थे, तुम्हारे इतने आए हैं। उसमें बैंगलोर एज अ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स superseded the batch when promoted from deputy commissioner to joint commissioner of IT due to his outstanding performance. Sir superannuated in 2015 from the post of principal commissioner of income tax from Delhi and joint corporate sector as an advisor for business development and marketing strategy from the year 2015 to year 2017. Arun sir was appointed as Director General for the group of Indore Education Institutes, that is Indore Institute of Science and Technology, Indore Institute of Pharmacy and Indore Institute of Management and Research in December 2017. Baroda, Gujarat. She is having 27 years of experience in education. May I call upon Ms. Prerna Paliwal. Thank you all for being here. I request you all to please be seated. Volunteers are requested to please escort our dignitaries and make them comfortable. संस्कृति इसकी धरोहर है, तो आइए देखते हैं इस संस्कृति कुछ झलक। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे जो चेयरमैन हैं स्कूल के और मैडम प्रिंसिपल हैं और जिनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं गुरप्रीत जी, कि उन्होंने इतने कम समय में एक अच्छी सोच के साथ, एक स्वस्थ सोच के साथ और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वालिटी को अपना लक्ष्य बनाया है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है। क्योंकि आज समय की आवश्यकता यह है कि हमारे छोटे बच्चों को
हम उस तरह की शिक्षा प्रदान करें जो उन्हें आंतरिक अपने अंदर जो उनके यहाँ कमियाँ हैं उसको दूर करने में सहायक हो और जो बाहर के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए भी उनको तैयार करें, क्योंकि आपको मालूम है कि आज तकनीक का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो हमें अपने बच्चों को एक उत्तम शिक्षा देनी है, एक ऐसी शिक्षा देनी है जो आधुनिक हो और जो उनको आगे के मार्ग पर अग्रसर करें और उनको एक स्वस्थ सर्वांगीण विकास जो है वो करें, बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ों में वो दक्ष हों। आपकी क्या शुभकामना विद्यांगन के लिए? यही है कि इनके जो हमारे जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उनको अपने सारी चुनौतियों का जीवन में सामना करने के लिए वो समर्थ होंगे और भारत का क्या कहना चाहेंगे, स्कूल कहाँ पर स्थित है और किस तरह से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है? ये विद्यांगन एकेडमी स्कूल 2014 में हमने सिलिकॉन सिटी में खोला था, मैं उसका फाउंडर चेयरमैन। हमने देखा कि एजुकेशन बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं और मेरी वाइफ मिसेस रंजीत कौर चेरा हम दोनों ने ये निश्चित किया कि हमें ये इस पद पे आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। तो 2014 में हमने स्कूल खोला और आज इसमें 500 बच्चा है। आज जो वार्षिक उत्सव है किस थीम पर आयोजित किया गया, कितने बच्चे इसमें मतलब प्रस्तुति देंगे? इनक्रेडिबल इंडिया पे ये आधारित है जी। और इसमें 300 बच्चा कम से कम भी पार्टिसिपेंट होगा। आयोजन में चीफ गेस्ट के रूप में कौन उपस्थित है? अरुण भटनागर सर हैं। देखिए पहली बात, उत्साह यहाँ पे सभी का बहुत ज़्यादा आप देख ही सकते हैं। इस विद्यालय को ये हमारा 8th एनुअल फंक्शन है, 8वां साल हम पूरा कर चुके हैं। अगले साल में हम अगले सत्र में 9वें वर्ष के लिए जाएंगे। हमारा स्कूल सिलिकॉन सिटी में है और हम निरंतर एक ही चीज़ पर हमेशा फोकस करते हैं कि हमेशा एजुकेशन जो हो वो क्वालिटी हो। जितना ज़्यादा बच्चों की क्वालिटी कंटेंट, मैंने अपनी स्पीच में भी जैसे कि कहा कि हमेशा कंटेंट, टीचिंग पेडागॉजी और टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव रखता हूँ।